गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। सो इन अवर टुडे सोशल स्टडी क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स। सो वी हैव स्टडीड टू लैंड फॉर्म्स टिल नाउ, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लेन्स। Plains are a broad, flat, low-lying surface of land. Plains are also called lowlands. So, अभी तक हमने दो physical features पढ़े हैं which are mountains and plateaus, और दोनों ही high होते हैं, means दोनों में height होती है। Mountains बहुत ज़्यादा high होते हैं and as compared to mountains, plateaus की height थोड़ी कम होती है, but plains जो हैं इनकी कोई height नहीं होती, ये heightless होते हैं, low-lying lands होते हैं और फ्लैट होते हैं। ब्रॉड मीन्स दे आर वेरी वास्ट, आप दूर तक देखेंगे तो आपको एक फ्लैट लैंड दिखाई देगा। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज लो लैंड्स। द लैंड ऑफ अ प्लेन इज मोस्टली इवन, समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली। तो जनरली अगर आप देखेंगे प्लेन्स को तो ये मैदान की तरह होते हैं, खुले मैदान की तरह होते हैं जो जनरली फ्लैट होते हैं, बट कभी कभी ये फ्लैट होने की जगह पर थोड़े से स्लैंटिंग होते हैं जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर समवॉट हिल्स की तरह दिखाई देने लगता है। मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स, फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जनरली प्लेन्स का फॉर्मेशन जो है वो रिवर्स के डिपॉजिट्स की वजह से होता है। रिवर्स जब हिल्स से नीचे आती हैं, सॉरी माउंटेन्स से नीचे आती हैं, तो खूब सारे मिनरल्स लेकर के आती हैं, मड लेकर के आती हैं, सैंड लेकर के आती हैं अपने साथ, जो कि वो प्लेन्स में ला करके डिपॉजिट कर देती हैं। और प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो जनरली इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया मींस द रीजन ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, देन उत्तर प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा। सो ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं टॉप पे, दिस इज़ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। सो ये रीजन जनरली बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी वेजिटेशन मिलेगी, द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, दैट इज़ वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। द रिवर डिपॉजिट्स सैंड, मड, सिल्ट दैट दे कैरी ऑन बैंक्स, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म्स प्लेन्स। तो जब माउंटेन्स से रिवर्स नीचे आती हैं तो अपने साथ खूब सारा सैंड, मड और सिल्ट लेकर के आती हैं, जो कि बाद में ये अपने किनारों पे, अपने बैंक्स पे जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एज दे आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स बाय द रिवर। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पर क्रॉप ईजिली ग्रो हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, सो इसलिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होता है। लाइफ इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू डैट ऑन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स होते हैं तो उसमें पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, सड़कें बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पत्थरों को काट के सड़कें बनाई जाती हैं, बट प्लेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट लैंड होता है, आप ईजिली रोड्स बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, फर्टाइल लैंड है तो आप ईजिली वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस एरिया इज़ थिकली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। प्लेन्स मे बी फाउंड अलॉन्ग अ कोस्ट और एन आईलैंड। द कोस्टल प्लेन इज़ अ स्ट्रेच ऑफ लो लैंड अक्रॉस अ सी कोस्ट विच स्लोप्स टूवर्ड्स द सी। सो स्टूडेंट्स, कोस्ट हम नदी या समुंदर के किनारे को बोलते हैं, एंड आईलैंड वो एरिया होता है, वो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। सो नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा प्लेन्स हमें कोस्ट या फिर आइलैंड्स में भी देखने को मिलते हैं। जनरली कोस्टल प्लेन्स वो एरिया होते हैं जो समुंदर के किनारे होते हैं, मीन्स एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न कोस्ट लाइन, इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा दैट इज़ द कोस्टल प्लेन। द एटलांटिक कोस्टल प्लेन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फर्टाइल एंड वेल पॉपुलेटेड कोस्टल प्लेन। सो
हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और फिर जब हम बात कोस्टल प्लेन्स की कर रहे हैं तो यहाँ पे तो वाटर इजीली अवेलेबल होता है, सो इसलिए यहाँ पे लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत अच्छी वेजिटेशन ग्रो करती है, एंड दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ वेरी वेल पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल के लिए अटलांटिक कोस्टल प्लेन जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। सो इट लाइज अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नोवा स्कोटिया टू फ्लोरिडा। सो इसकी लोकेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नोवा स्कोटिया टू फ्लोरिडा। आइलैंड प्लेन्स मे बी फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड। सो आइलैंड प्लेन्स जो हैं वो हमें जनरली हायर ऑल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलेंगे, मीन्स दे आर हाई एज कम्पेयर टू सी लेवल। यहाँ पे सी लेवल की बात हो रही है कि ये उनके कंपैरिजन में हाई होते हैं और जनरली हमको पानी के बीच में देखने को मिलते हैं आइलैंड प्लेन्स। नाउ व्हाई प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेट्स स्टडी दैट। प्लेन्स आर एरियाज दैट आर यूजुअली वेल पॉपुलेटेड बिकॉज द सॉयल एंड द टेरेन आर गुड फॉर फार्मिंग। एग्रीकल्चर बिकम्स द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। तो प्लेन्स जो होते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पर फार्मिंग ईजिली हो सकती है और एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। नेक्स्ट इज रोड्स एंड रेलवेज आर ईजिली बिल्ड बिटवीन रूरल टाउन्स एंड सिटीज़। तो अगर हमें रोड्स बनानी है, रेलवेज बनानी है, तो यहाँ पे ईजिली बन जाएंगे क्योंकि फ्लैट लैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रोड्स या फिर रेलवेज बनाने में, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा बिटवीन द टाउन्स एंड द सिटीज़, इवन बिटवीन द विलेजेस एंड द सिटीज़ ऑल्सो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन्स। तो अगर आप मैप की स्टडी करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि माउंटेन्स के कंपैरिजन में जो बिग टाउन्स और सिटीज़ हैं वो प्लेन्स में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, आयरन एंड स्टील हैव डेवलप्ड इन द प्लेन्स बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े की इंडस्ट्री, देन ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब हमको ज़्यादातर प्लेन्स में देखने को मिलती हैं। क्यों प्लेन्स में देखने को मिलती हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमेशा ऐसे एरिया में सेटअप करी जाती हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल हो, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। कनेक्टिविटी मीन्स मोबाइल नेटवर्क या फिर आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है, ये सब ईजिली अवेलेबल हो जहाँ पे, वहाँ पे इनको सेटअप किया जाता है। और प्लेन्स से बेटर प्लेस कोई नहीं हो सकता है इसके लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो जाता है, कनेक्टिविटी भी गुड होती है, तो यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सेटअप करी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थिक फॉरेस्ट यूजुअली थ्राइव ऑन प्लेन्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ग्रासलैंड्स कवर ड्राई प्लेन्स सच एज द ग्रेट प्लेन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो प्लेन्स में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ह्यूमिड प्लेन्स हैं, मतलब अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ड्राई प्लेन्स हैं जहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो वहाँ पे आपको जंगल भले ही देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रेट प्लेन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वहाँ पे बारिश कम होती है तो इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची घास होती है, पेड़ नहीं होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोस्टल प्लेन्स और रीजन्स आर आइडियल फॉर फिशिंग साइट्स। तो जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, ऐसा ही आई हैव टोल्ड यू कि इंडिया की कोस्ट लाइन के आसपास, वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फिशिंग, क्योंकि वहाँ पे फिशेस ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर। सो हियर आई एंड अप माई वीडियो। रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।